उत्तराखंड एक बड़े त्रासदी से गुजरा है, इन्वेस्टर को बुलाने के लिए क्या क्या प्लान आपके यहाँ? देखिए, हमने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है अपने देखने पर, सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर के बावजूद भी जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल क्लाइमेट में किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, किसी तरीके की कमी नहीं है। और हम ऐसे स्टेट हैं जहाँ से कोई इंडस्ट्री बंद नहीं, क्योंकि जो टोटल इन्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री से हम ऐसे राज्य हैं नॉर्थ के अंदर जो 24 घंटा बिजली देने की स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात है सबसे चीप बड़ा कंड्यूसिव टाइप एटमोसफियर है, लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन बेस्ट है, हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क है, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए हो, स्मॉल स्केल के लिए हो, सब अपनी जगह है। सर, सुविधाएं अलग अदर स्टेट से क्या होंगी आपके यहाँ? देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन तो खींचा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे हमको कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है एक्साइज और दूसरे एरियाज के अंदर वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडस्ट्री के लिए वो बिजली का है, हम 24 घंटे बिजली नहीं करते, हमारे पास जस्ट इन मैन पावर जो और राज्यों के कंपेरिजन में हम बेहतर से मैन पावर, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी हमारी निरंतर इम्प्रूव कर रही है। हम यदि दिल्ली से आप देखें तो दिल्ली के सबसे नज़दीक वाले जो डेस्टिनेशन हैं उनमें से हम एक हैं। इन्वेस्टर्स को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि वाकई में उत्तराखंड सही जगह है इन्वेस्ट करने की? सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ सारे मेजर प्लेयर इस समय विद्यमान हैं, इसमें टाटा से लेकर के अशोका लेलैंड तक, ITC से लेकर के दूसरे और सब जो है बिरलास का, जब सब मौजूद हैं तो इसका मतलब है उत्तराखंड पर लोगों को विश्वास है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सीफाई हो, वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तरफ भी आ, हमारे इको टूरिज्म में बहुत पॉसिबिलिटी है, हमारे वहाँ हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें भी हम चाहते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट आए और उसमें भी कुछ दिलचस्पी है। तो कुल मिला करके मैं हमारी जो इस समय कोशिश है वो दो बातों पर फोकस है, एक तो मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज की तरफ, और दूसरा जो है हम चाहते हैं कि जो टूरिज्म का एरिया है वो एरिया है, उस एरिया में बहुत पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, उसमें लोग आए। जैसे हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय है और सबसे खूबसूरत हिमालय है, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, नेपाल उसकी बेहतर मार्केटिंग कर रहा है जबकि उनका बहुत छोटा हिमालय है। तो मैंने सिलिंग ब्यूटी का है के हिसाब से कहा, हमारे पास लोग एक फूल की घाटी को जानते हैं
हमारे पास दर्जनों की घाटियाँ हैं जो अभी तक जो है अनडिस्कवर्ड। इसके सुधार के लिए क्या उपाय हमसे कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और इसलिए लोगों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे एरिया है जिसमें हम चाहते हैं यदि कुछ लोग दिलचस्पी लें तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसमें हर तरीके की पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए तैयार, हमने हम किसी बात के में ये नहीं कह रहे हैं आइए करके, हम आइए जब कह रहे हैं तो हम विद पॉलिसी सपोर्ट के साथ कह रहे हैं, पॉलिसी फ्रेम के साथ कह रहे हैं। हमने साफ तौर पर नीतियाँ बनाई है, हमने हाइड्रो की नीति हमने तैयार की है, मिट्टी की नीति हमने तैयार की है, मेजर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है पॉलिसी हमारी तैयार है, उसी तरीके से हमने मैन पावर ट्रेनिंग की पॉलिसी तैयार कर रखी है, हमने उसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट का जो है उसकी हमारी पॉलिसी तैयार है कि हम एक प्रकार से जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल मैन पावर प्रोड्यूस करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनके साथ हमारा निरंतर संवाद है। और आपको आश्चर्य होगा कि यदि जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखिए तो वी हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, वी हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ ITIs and supported by one national reputed IIT. But sir, ये भी सच्चाई है कि in Dehradun alone there are 12 national level एजुकेशन के लिए नहीं है ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जितना एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। और सबसे आश्चर्य आप लोगों का होगा, जैसे आप लोग रिसर्च करिए, हम जो है टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा जितना हम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, इवन टेक्निकल एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, उतना दूसरे राज्य कंपेरेटिवली हमारे अगल बगल में नहीं कर। सर पलायन कैसे रोकेंगे सर? पलायन रोकने के लिए देखिए दो तरीके का पलायन, एक पलायन है जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। हमने एजुकेशन को बढ़ाया है, हमारा इसमें जो एजुकेशन का लेवल है वो नेशनल हिसाब से जो है हम फर्स्ट 2-3 स्टेट्स के अंदर हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हम जो है बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो हमारे जो स्किल मैन पावर है या एजुकेटेड मैन पावर है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाती है। तो दैट इज़ वन पार्ट। देर इज अनदर पार्ट दैट इज बेबसी का माइग्रेशन, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो हमारे KT के अंदर है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको रोकने के लिए हमने कई तरीके के उपाय किए हैं। और अगले 4 साल के अंदर आप देखेंगे कोई डिस्ट्रिक्ट वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेबसी में पलायन नहीं करेगा, बल्कि हम वही अपन On behalf of CII, on my personal behalf, I welcome all the distinguished guests and all the distinguished guests in the audience, on the dais, all the Uttarakhand representatives sitting here. A special welcome to Shri Harish Rawat, Honorable Chief Minister, Government of Uttarakhand, and Dr. Indira Radesh, Honorable Minister, Industrial Development. I think I'll start this session quickly because we are having a paucity of time, because Honorable Chief Minister has to leave early. I'll start with a request to Honorable Chief Minister to inaugurate the CIDCUL new website and Smart City portal.
The one which is you are seeing now is the newly upgraded website of SIDCUL, where you will find all the contacts, references, and all the policies are also mentioned over here in this website. It's a SIDCUL Smart City portal. You can do online application, and it's a beginning to maybe a single window system, which we have embarked upon. So we are proud, we are having proud privilege to witness this, the inauguration of this site. I think I will request Honorable Chief Minister, Mr. Harish Rawat, to share his vision with this audience and investors. Thank you. Sri Prashant Mahadev, friends from the industries. मैं सब प्रथम तो CII को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नॉर्दर्न यूनियन स्टेट्स की एक मीट यहाँ पर आयोजित की, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हम एक दूसरे के कंपटीटर स्टेट नहीं हैं, बल्कि हमको एक दूसरे के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, और उसके लिए CII एक ब्रिज का काम कर सकती है, पुल का काम कर सकती है, तो इट विल बी ग्रेट सर्विस नॉट टुवर्ड्स इंडस्ट्री ओनली, टुवर्ड्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट्स, क्योंकि कोई एक स्टेट हमारी जिस तरीके से लैंड लॉक बाउंड्रीज हैं उसमें ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट और परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक इंडस्ट्री को या किसी को दे सकता है। कुछ स्टेट्स के पास बेहतर मैन पावर हो सकती है, किसी के पास लैंड की अवेलेबिलिटी हो सकती है, किसी स्टेट के पास बिजली का सरप्लस हो सकता है, बिजली अच्छी हो सकती है, और किसी के पास कंज्यूमर्स का वॉल्यूम जो है बेहतर हो सकता है। मगर हम ये नहीं भूल सकते कि पंजाब में कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उसको, या जम्मू कश्मीर में लगनी है तो उनको जाना जो है चंडीगढ़ के, उनको जाना हरियाणा के ही रास्ते हैं। हम अपने राज्य के अंदर कितना ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यदि यूपी से हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप जिस समय तक मेरे राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय तक आप अपनी कमर सहला रहे होंगे, और आपका इरादा जो है मेरे वहाँ इन्वेस्टमेंट का थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होगा, और मुझे आपके साथ और बड़ी हार्ड परफ्यूशन से काम करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट ऑफ द लाइफ है, फैक्ट ऑफ द सिचुएशन है। हमने, मैं आपके सामने, क्योंकि जब बातचीत होगी तो जो असली दो लोग हैं जो मैटर करेंगे इसमें, सी इज आवर इंडस्ट्रीज एंड द फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज इंदिरा हृदय सीजियर, और आवर चीफ सेक्रेटरी ऑफ कोर्स, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी यहाँ पर आए हैं। हम अपनी बात भी रखेंगे, आपकी बात सुन करके यहाँ आपको लगता है कि हमसे कुछ और ज़्यादा जानकारी लेनी है वो जानकारी ज़रूर हम आपको देंगे, मगर मैं चार पांच चीज़ें मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो इनका रिटन टेस्ट है जिसको हमारे अधिकारीगण मुझसे बुलवाना चाहते थे, मैंने उससे ज़रा सा हट करके बात करना उससे वापस समझा, ताकि आपको ये लगे कि चीफ मिनिस्टर
माइंड से नहीं बोल रहा बल्कि दिल से बोल रहा है, मैं दिल से बात करना चाहूँगा। तो हमारे पास यदि सबसे बेहतर कोई चीज़ है उत्तराखंड में तो वह है हमारा दिल, और हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आप आइए, आप हमारे साथ अपॉर्चुनिटीज जो आपको नेचर ने दी हैं उनको डेवलप करने में पार्टनर बनिए, और यहाँ पर आपके साथ जो है मिस्टर फारूक बैठे हैं, लिंक्ड टू टू फेम। यदि जो हम पॉलिटिकल लोग हैं हमको लिंक्ड टू टू ज़्यादा खाना पड़ता है, तो क्योंकि हमारा लीवर जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि खच्चर बच्चर से जो है, तो इसलिए हो सकता है मेरी नज़र इन पर पड़ी हो, लेकिन मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज के लोगों को भी ज़्यादा पेन लेना पड़ता है, टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, तो आपके लिए भी इनका जो नुक्ता है वो ज़्यादा माफिक है। मगर मैं इनका नाम मैंने इसलिए लिया, इनकी इंडस्ट्री उत्तराखंड में 85 ईयर्स है, शायद जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से इनकी इंडस्ट्री वहाँ काम कर रही है, एंड स्टिल इज loved and welcomed by each and every one। और आज मुझे खुशी है जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो हिंदुस्तान के सारे बड़े नाम इंडस्ट्रियल एरिया के उत्तराखंड में हैं, उनकी प्रेजेंस है, और हमको गर्व है इस बात, हमें इस बात का फख्र है, और हमको मुझे आपके सबके सामने ये कहते हुए खुशी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स हॉलीडे स्कीम में परिवर्तन आने के बावजूद, ऑल्दो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ फिर से टेकअप करने जा रहा हूँ कि 2020 के बाद जब आप एक्साइज रिबेट्स को विड्रॉ करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो स्टोरी जो है वो उसका विड्रॉल जो है एट वन टाइम वाला ना हो, बल्कि आप हमको 5-7 साल का पीरियड दीजिए ताकि हम अपने को इतना स्ट्रेंथन कर सकें कि हमारी इंडस्ट्री जो वहाँ पे है उस इंडस्ट्री को वो सपोर्ट मिलता रहे जो सपोर्ट उनको आज हासिल है। बट ये एक भविष्य के बारे में छिपी हुई बात है कि प्राइम मिनिस्टर से जब बात हो किस तरीके से इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। मगर जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में चेंज आने के बावजूद भी हमारे वहाँ से कोई इंडस्ट्री बाहर नहीं गई। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा लोकेशनल एडवांटेज भले ही ना हो मगर जो इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है इंडस्ट्री को उस मामले में आज हम कंपैरेटिवली बेहतर स्थिति के अंदर है, जिसमें से सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। हमारे पास बेहतर मैन पावर है। आप आज यदि आपको रॉन्ग हैंड कहीं पर मिलता है तो उसको ट्रेन करने में आपको बहुत टाइम लगता है तैयार करने में, लेकिन यदि आपको ट्रेन मैन पावर मिलता है और आप कल अपनी लाइन को थोड़ा सा बदलते हैं प्रोडक्शन लाइन को तो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, रीट्रेन कर सकते हैं, जो काम 2 साल में 3 साल में होता है उसको आप 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ड्रिवन मैन पावर इस समय सर्वाधिक है। यदि आप औसत के हिसाब से देखिए जनसंख्या का तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक है, सबसे ज़्यादा औसत के मैं जनसंख्या के औसत में कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ITIs हैं। ऑफकोर्स वी हैव वन वर्ल्ड क्लास IIT एंड NIT ऑल्सो। आप उत्तर प्रदेश में यदि 56 लाख पर इस समय एक पॉलिटेक्निक है तो हमारे पास 2.5 लाख में एक पॉलिटेक्निक है। तो हम हर साल इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर मैन पावर की
का सृजन कर रहे हैं। और ये काम हम इंडस्ट्री के जो जाने माने नाम हैं उनके साथ उनके सहयोग से भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम तय कर रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, हम इंडस्ट्री से बातचीत करके ये तय करते हैं कि उनको जरूरत किस बात की है। हमने किसी चीज़ को भी हमने इस आधार पर नहीं रखा है कि आप आए और तब हम आपसे कहेंगे साहब हम ये कर लेंगे। हमने पहले से सब चीज़ों को मैंने साफ तौर पर कहा है चीफ सेक्रेटरी से कि हमारे हर चीज़ जो है पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हमने चाहे मेगा इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या MSME हैं, हम सब की पॉलिसी बिल्कुल ले डाउन कर रहे हैं। और पॉलिसी के विषय में हमने इंटरेक्शन से तय किया है, इंटरेक्शन से इंडस्ट्री के साथ जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी जिनके साथ उपलब्ध हो सकते हैं हमने उनके साथ बातचीत की है। हमने यदि अपनी पावर पॉलिसी बनाई है, माइक्रो हाइड्रिन पॉलिसी बनाई है या हाइड्रिन पॉलिसी बनाई है, तो उसको भी हमने इंडस्ट्री के साथ एक 3-4 इंटरेक्टिव सेशन के बाद तैयार करने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पावर सेक्टर में बावजूद सुप्रीम कोर्ट से कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस के हम छोटे पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की स्थिति में वहाँ है, और उसके लिए हम लोकल लोगों के साथ भागीदारी भी तैयार करने का काम कर रहे हैं। बल्कि हमने इंडस्ट्री के लोगों से कहा है कि आप लगाइए, आप 5 MW 4 MW जितना आपको ज़रूरत है आप उसके हिसाब से लगाइए और वहाँ बिजली पैदा करिए, हम वहीं आपसे ले लेंगे और उतनी बिजली आपको जो है जहाँ आपका प्रोजेक्ट है वहाँ लेने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी डिसीजन होंगे राइट फ्रॉम आपके साथ एक इंटरेक्शन प्रारंभ करने से लेकर के फाइनल होने तक वो सब पॉलिसी ड्रिवन होंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत होंगे। और उसके लिए हमने ये नहीं कहा कि आप चीफ मिनिस्टर को नमस्ते कराइए या चीफ सेक्रेटरी से कर लीजिए, उसमें आप जिस पॉइंट पर भी पहुँचे वो पॉइंट वो उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो उस पॉलिसी के अनुसार आपको इंटरटेन करें और चीज़ों को फाइनल करने का काम करें, ताकि एक बहुत एक्सपीरियंस ये महसूस करता है कि उनको बहुत सारे लोगों के साथ जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो हमने सोचा है कि पॉलिसी से बेहतर और कोई बाइबल नहीं हो सकती, कोई गीता नहीं हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपनी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा वेलकम इन्वायरमेंट अपने राज्य के अंदर तैयार करने का काम कर सकें। यहाँ हमने उसी के अंदर तय किया है। अब हमारी जैसे आप टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर देखिए तो हमने बल्कि मैं नहीं जानता इन्होंने ये पेपर्स आप लोगों को पहले से दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि जितने और स्टेट्स हैं उनके बीच में और हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर क्या क्या अंतर है। उसी तरीके का कंपैरिजन हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय में भी स्पष्ट तौर पर बताया है। MSME पॉलिसी के अंदर क्योंकि हम पॉलिसी तैयार करने में थोड़ा सा देर थे, तो हमने कंपैरिजन के बजाय जो है हम कितना बेहतर उसको कर सकते हैं। बल्कि MSME पॉलिसी के लिए हमने एक मंत्र बनाया है कि ये कोई लास्ट वर्ड नहीं है जो पॉलिसी में लिखा है, बल्कि इंडस्ट्री के लोग इसके आकर के हमको बताएं कि अमुक कमी हमको इसमें नज़र आती है, अमुक सेफ गार्ड की ज़रूरत है, तो हम वो सेफ गार्ड भी देने का काम करेंगे। कुछ लोग हमारे पास आए कि आप साहब हाई हिल्स में चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन क्या गारंटी है कि नेचुरल कैलेमिटी की स्थिति में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर रहेगा। जब प्रोसेस के अंदर है हमने कहा ओके फाइन, हम इसको अपनी पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का काम कर सकते हैं। और पावर सेक्टर में जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय हम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे चीप बिजली देने वाले राज्य हैं, सबसे सस्ती बिजली देने वाले राज्य हैं, जो फैक्ट है। और स्थिति और सुधरेगी,
इसलिए सुधरेगी कि अब हम किसाऊ बांध बना रहे हैं। लखवाड़ व्यासी के अंदर क्लियरेंस हो चुकी है, वो 300-400 मेगावाट बिजली अभी हमारे पास आगे होगी। अभी हमारे तीन जो हमारे राज्य के अंदर गैस बेस्ड पावर प्लांट लगे थे, हमने उन गैस बेस्ड पावर प्लांट के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि किस तरीके से हम उनकी जो पावर है उसको परचेज करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को उसका ज़्यादा दबाव न झेलना पड़े उसके लिए भी हमने पहले से तैयारी करके रखी है। तो इसका मेरा ये सब कहने का अर्थ ये है कि आगे आने वाले लंबे समय तक भी उत्तराखंड के अंदर जो पावर का एडवांटेज है, जो बिजली का एडवांटेज है, वो हमेशा इंडस्ट्री के पास आगे रहेगा। और हमारा सिटकुंज जो है वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज, आप कहीं देख लीजिए, आप कहीं कंपैरिजन कर लीजिए, आपके पास बड़ी जगह हो सकती है, बड़े नाम हो सकते हैं, मगर इस तरीके का कोई इंडस्ट्री बेस्ड स्मार्ट टाउनशिप नहीं हो सकती है। और हमने तय किया है कि सिटकुल से जितना जमीन आदि से हमारे पास आएगा उसको हम दूसरे एरिया में इन्वेस्ट करने के बजाय सिटकुल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम खर्च करने का काम करेंगे, ताकि इंडस्ट्री जो हमको दे रही है उसको हम प्लाव बैक करके वापस करके इंडस्ट्री को ही देने का काम कर सकें। जो है तो आप इसलिए निरंतर जिन लोगों ने पहले आप से कई चेहरे हैं जिनका पहले से उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंस है, तो जितना जिस स्थिति में सिटकुल 2005-06 में था, आज सिटकुल उससे बेहतर स्थिति में है। यदि आप 2-3 साल बाद और आएंगे तो आप और बेहतर स्थिति के अंदर हमारे राज्य के सिटकुल स्थिति को पाएंगे। और हमारे पास इस समय कल क्या स्थिति आएगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डिमांड बहुत है। हमारे पास इस समय आपको ऑफर करने के लिए ज़मीन है, और ज़मीन भी और कहीं नहीं है, जहाँ इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई है उसके आसपास ही है, उसके अंदर है। तो एक्सपेंशन के लिए भी और नई इंडस्ट्री के लिए हमारे पास आज जो प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट है, एटमोसफियर है, उसके अंदर जगह उपलब्ध है। और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं, आपसे बेहतर थर्मामीटर कोई है ही नहीं कि कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में हम और राज्यों की तुलना में कहाँ पर खड़े हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ साउथ के किसी काम एम्प्लॉयड राज्य के साथ आप हमारी तुलना कर सकते हैं और हमको बेहतर पा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मैन पावर एडवांटेज है उसमें एक एडवांटेज इस बात का भी है कि हम बाई नेचर बाई हैबिट जो है पीस लविंग लोग हैं, इसलिए उत्तराखंड आगे आने वाले वर्षों तक भी पीसफुल उत्तराखंड रहेगा, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिससे। और आज इतनी इंडस्ट्रीज के बावजूद जो है किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी मेजर लेवल प्रॉब्लम उठ करके नहीं आई जिसको हम लोगों ने उसी कैंपस के अंदर रिजॉल्व न कर दिया हो, उसका रिजोल्यूशन नहीं निकाल दिया हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको चीफ मिनिस्टर मैं समझता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहिए था। कुछ चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उत्तराखंड बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे पास और जो आप सीनिक ब्यूटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और हमारे वहाँ नेचर ने हमको सीनिक ब्यूटी दी है। आप हिमालयस को देखने के लिए पोखरा जाते हैं, नेपाल के अंदर जाते हैं, वहाँ कई लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। हमारे पास तो लार्जेस्ट हिमालयस है, सबसे बेहतर खूबसूरत हिमालय है। आप में से सब लोग केवल एक फूलों की घाटी को जानते हैं, ऐसे दर्जनों फूलों की घाटियां हैं उत्तराखंड के अंदर। लोग 2-3 ग्लेशियर का नाम जानते हैं, पिंडारी आदि का। हमारे पास जो है दर्जनों ऐसे जो है वर्जिन ग्लेशियर है जिनको अभी हमने औरी के साथ एक उद्यान को अपने इंटरनेशनली जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और मुझे आपके सामने कहने में खुशी है जब इस साल हमने उसको लॉन्च किया तो विदेशों से करीब 1000 लोग पहले दिन जिस दिन उसकी लॉन्चिंग की गई वहाँ उपस्थित हुए। तो हिमालय हमारे हिमालय लोगों को अट्रैक्ट करते,
अटैक करते हैं और हमारे लोगों के अंदर कैपेसिटी है, हमने उस कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। 2013 की जब आपदा आई थी तो उस आपदा के बाद लोग ये समझते थे कि उत्तराखंड अगले 10 साल तक उभर नहीं पाएगा, लेकिन उत्तराखंड बिल्कुल हेल एंड हार्टी स्थिति के अंदर बड़े उत्साहित और बहुत जोश और खरोश के साथ न केवल खड़ा है बल्कि तो आगे भी बढ़ रहा है। आज देश के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है स्टेट्स के, स्टेट वाइज जो है, वी आर वन अमंग देम। जो 3-4 का आप नाम लेंगे तो उन 3-4 के अंदर हमारा नाम आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। आज जिस तेजी के साथ हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मैं नेशनल एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो अच्छे राज्य हैं मैं उन राज्यों की तुलना में कह रहा हूँ, इस समय जो है हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हैं। लिटरेसी का मैं पहले ही आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि हम जो 3-4 मोस्ट लिटरेट स्टेट हैं, तो कुल मिला करके हमारे पास वो सारी संभावनाएं हैं जो संभावनाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम नए हैं इस दिशा के अंदर, कुछ यदि कमियां आपको नजर आती हैं तो मैं महादीप साहब से कहूँगा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू पॉइंट आउट दी वेर आर द शॉर्ट कमिंग्स एंड आई विल आस्क माई ऑफिसर्स टू एश्योर यू दैट दी विल हाउ मच टाइम दी विल टेक टू रिमूव दीज बोटलनेक्स और शॉर्ट कमिंग्स। तो आप क्या हमारा जो है ये इंटरेक्टिव, मैं केवल अपनी बात सुनाने के लिए आपको नहीं आया हूँ बल्कि मैं तो इस दिशा दृष्टिकोण से आऊँ कि आपकी बात सुनूँ, बल्कि मैंने इस समय के जहाज से जाना था 6 बजे की जो है, कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वहाँ, तो मैंने कहा भैया मैंने कहा देखो कंजूसी से काम नहीं चलेगा, हमको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बड़े लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने कहा जो है तभी वापसी जाने में जो है चार्टर कर लेते हैं मगर उनकी बात सुन करके जाते हैं, तो मैं आपकी बात सुन करके भी जाऊँगा, तो इसलिए आप मेरे पहले होने से अंदाजा लगा मैं सुन करके जाऊँगा। तो आप सबका बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आगे आप जिस तरीके से आपकी प्रोसीडिंग है यू कैन प्रोसीड एट। थैंक यू वेरी मच।